शुक्रवार को आई तेज आंधी और बारिश की वजह से दुनिया के साथ अजूबों में शामिल आगरा के ताजमहल को भी नुकसान पहुंचा। ताजमहल परिसर में तेज आंधी तूफान से रेलिंग टूट गई और बगीचे में कई पेड़ धराशायी हो गए। जानकारी के अनुसार जहां से पर्यटक ताजमहल परिसर में प्रवेश करते हैं वहां मड पैक के लिए खड़ी की गई पॉड गिरने से रेलिंग टूट गई। इतना ही नहीं प्रवेश स्थल के बरामदे में सीलिंग भी आंधी तूफान की वजह से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। शुक्रवार शाम करीब 7 बजे आगरा में तेज आंधी और बारिश की वजह से ताजमहल में यमुना किनारे तरफ वाले मुख्य मकबरे पर बंधी लोहे की लंबी पाइप स्केप फोल्डिंग गिर पड़ी है। स्केप फोल्डिंग के गिरने से व्हाइट प्लेटफॉर्म पर लगी संगमरमर की रेलिंग और उससे ठीक नीचे चमकीली फर्श पर लगी रेड सैंडस्टोन की जालीदार रेलिंग टूट गई है। चमेली फर्श पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पर्यटकों को यमुना किनारे की तरफ जाने से रोकने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई वुडन रेलिंग भी आंधी बारिश की वजह से टूट गई है। ताजमहल को पहुंचे नुकसान की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी डॉक्टर वसंत कुमार ने भी पुष्टि की। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से ताजमहल अभी बंद है और आम लोगों के प्रवेश पर रोक है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।